हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल। तो भाई, मैंने थंबनेल के ऊपर एक चीज मेंशन करी है कि जो कनाडा में कितनी की कमाई हो पाती है, कितना का पैसा कमा लेते हैं, या फिर एक कॉमन सिनेरियो जब एक स्टूडेंट या फिर कोई पर्सन स्टडी वीजा पे यहाँ पे आता है, तो आगे सरकमस्टांसेस क्या हैं या कितना का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुनने को तो बहुत कुछ मिला होगा कि यहाँ पे घर लेना मुश्किल है, तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि यहाँ का सिस्टम क्या है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब मान लो आप अभी कनाडा में आए, आपको भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए। बंदे को ना अपने खर्चे निकालने, किसी ग्रोसरी स्टोर पे, किसी रिटेल स्टोर पे, या फिर गैस स्टेशन पे, टिम हॉर्टन्स पे काम कर रहे हो, मैकडी पे काम कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सच है कि भाई ज़्यादातर कंपनीज मिनिमम वेज ही आपको पे करती हैं स्टार्टिंग में। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग हैं इनके पास जो काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, चाहे इंडिया से है, चाहे पाकिस्तान से है, चाहे किसी और कंट्री से है। एट द सेम टाइम जो कनाडा के लोकल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके पास हैं। तो अगर आप मना कर रहे हो कि हमें भाई मिनिमम वेज नहीं चाहिए, तो इनको बहुत बाकी और लोग भी मिल जाएंगे। कंपनीज के पास बहुत ऑप्शंस हैं, इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज आपको मिनिमम वेज ही पे करते हैं। एंड यहाँ पे काम पे ना ऐसा इतना लोग आपस में बात नहीं करते कि भाई तुम्हें कितना पे करते हैं, अगर तुम्हें 1 साल हो चुका है, तुम्हारी कितनी पे बढ़ाई, वो सब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना कोई ऐसे बताता नहीं है ना। अनलेस चलो आप दोस्त हो, एक दूसरे को बता दे तो वो बात अलग है, बट एम्प्लॉयज़ ऐसी बातें डिस्कस आपस में नहीं करते। वो बात अलग है कि जैसे जैसे आप कंपनी के साथ काम करते हो वो आपकी पे बढ़ाते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आपके एकदम से $5 एक्स्ट्रा कर देंगे सेंट्स के हिसाब से। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी को सुपरवाइजर बनाया तो सिर्फ 75 सेंट्स उसकी एक्स्ट्रा पे होती है बाकी एम्प्लॉयज से, या फिर $1 ज़्यादा। इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं होता। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि अगर कहीं सी जगह पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आपको भाई इतना पैसा नहीं बन सकता जितना आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में सोचते हो। हर एक प्रोविंस का अपना अपना हिसाब है। एंटेरियो की मिनिमम वेज कुछ और है, नोवा स्कोशिया की कुछ और है, अल्बर्टा की कुछ और है। तो वो एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जब आप टैक्स फाइल करते हो ना, तो पूरे साल में एक आपका T4 फॉर्म होता है। T4 फॉर्म पे लिखा होता है कि कितना आपने उस कंपनी से 1 साल में कमाया, कितना टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया। तो 39,000 की अगर किसी की अर्निंग है, यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस 1,000 तो बड़े आराम से हैं। अगर कोई सिर्फ बंदा रूम एंड अपनी ग्रोसरी देख रहा है, अगर किसी के पास गाड़ी है तो बड़े आराम से भैया आप 2400 2500 तक खर्चा देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी ली है तो 3,000 तक भी चला जा सकता है। सपोज करो कि $2500 आपके महीने के खर्चे हैं, तो अगर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देख लो कि आपके पास कितना बचेगा। तो $30,000 तो आपका पूरा साल का खर्चा आ गया, एंड जो बाकी का बैलेंस है उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि पूरी आपकी सेविंग होगी। कई बारी कुछ हमारे किसी जगह पे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन और आता है कि अगर किसी ने साल का 50,000 कमाना है, तो घंटे के कितनी उसकी वेज होगी, एक घंटे के उसको कितने डॉलर्स मिलेंगे। तो आप कह लो कि रफली $26 अगर किसी के हैं एक घंटे के, तो 50,000 तक कमाएगा। $26 जो सुनना, अगर कोई बोल देना यहाँ पे कि हाँ भाई मुझे घंटे के मिलते हैं, तो जो बाकी लोग हैं वो काफ़ी होते हैं कि भाई $26 मिल रहे हैं तुम्हें, बट उसकी कोई कंक्लूजन नहीं निकालता पूरी के साल के बाद भाई कितना आपको बचता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, कंपनीज मिनिमम वेज पे करती हैं ज़्यादातर, एंड अगर $2-3 ज़्यादा भी दे दे तो उसके लिए $26 बहुत बड़ी बात है, उतना पे रेट है ना। तो एक बार तो लगेगा कि आप बहुत कुछ ऐसे मैनेज कर लोगे, बट जब आप पूरा उसका निकालोगे टैक्स वगैरह, तो आप एंड उसके बाद जो आपके बाकी के खर्चे हैं वो भी हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि भाई अगर आप ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कंट्री में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, तो फिर आपके पास स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी डिमांड हो। कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने में कोई आप स्किल सीख लोगे। तो आपको भाई कुछ डिफरेंट है ना, कोई ऐसा फील्ड देखना पड़ेगा जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आप जा सकते हो, हेल्थ केयर में जा सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है, इंडिया में भी अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, आप खुद देख लो कि अगर आप मैकडी पे काम कर रहे हो या फिर किसी स्टोर में मैनेजर वगैरह हो, तो आप उतना नहीं कमा सकते जितना आप एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि अच्छा घर अच्छी गाड़ी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो भाई आपको अपना फील्ड उस हिसाब से चूज करना होगा, उस हिसाब से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हाँ आपको है कि भाई जैसा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि मेरा ऐसा लाइफस्टाइल हो, सो यहाँ पे भी सेम मेहनत आपको करनी पड़ती है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि बहुत चीज़ें आसानी से आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड रही बात लग्जरी लाइफस्टाइल की, देखो लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, मेरे में वो चीज़ नहीं है कि कैमरे के आगे मैं किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ। वो तभी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जब मैं खुद उसको ना उस पॉइंट तक एक्सपीरियंस करूंगा, देन यस मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये सिस्टम है। बट अभी सभी को पता है कि जब कोई स्टडी परमिट पे है,
वर्क परमिट पे आता है, पीआर एप्लीकेशन का काम करवाता है, तो भाई ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस मोमेंट पे। बिजनेस वगैरह ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट भाई टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि आपका पूरा फोकस होता है अपना स्टेटस चेंज करने में कि हाँ यार मैं एक इमिग्रेंट से एक रेजिडेंट बनना चाहता हूँ। तो उस पॉइंट में आप कह लो कि आप ज़्यादा काम भी अगर करोगे तो बंदे डबल शिफ्ट लगाते हैं, फुल टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो उस मोमेंट पे आपकी जो आप कह लो कि जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं वो साल का कोई 40,000 तक कमाता है, कोई 50,000 तक कमाता है, कोई 60,000, वो कैसे करते हैं, एक जगह पे फुल टाइम जॉब है, दूसरी जगह पे पार्ट टाइम जॉब है, दो दो काम करके बंदा अपनी साल की कमाई ज्यादा कर लेता है, बट उसमें से उसको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता है। कंपनीज पे जब आप जॉब करते हो आपको पैकेज इस हिसाब से देते हैं कि हाँ जी 50,000 आपको मिलेगा या 55,000 आपको साल का मिलेगा, तो फिर आप ये भी देखो कि टैक्स डिडक्ट करके वो कितना बच जाता है। अगर किसी का बिजनेस है उसके बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं तो वो टैक्स वगैरह क्लेम टैक्स वगैरह में एडजस्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी में बता सकूं कि हाँ आप ये मत सोचा करो हमेशा कि अगर आज आप मूव कर गए देन एक दो सालों में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको हार्डवर्क भाई ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि हाँ आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाए, पैकेज अच्छा हो। अभी लोग ये क्यों बोलते हैं कि घर लेना मुश्किल है, अभी इस पॉइंट को समझते हैं। देखो कि अगर किसी घर की सपोज करो कि एक घर की कीमत अगर आप जीटीए में देखो बड़े आराम से 1 मिलियन तक डिटैच हाउस की होती है, या फिर 8-9 लाख से आपका घर कम नहीं आता, एंड 80,000 डॉलर्स तक अगर किसी घर की आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, कैन यू इमेजिन कि बंदा यार 50,000 की सैलरी पे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा मॉर्गेज के लिए। एंड उतना मैनेज करना, अगर आपकी 50,000 या 60,000 कमाई है उसमें से खर्चे निकाल के कितने साल लग जाएंगे उतनी डाउन पेमेंट है इकट्ठी करने में, तो फिर लोग किसी दूसरी प्रोविंसेस में जाते हैं यहाँ पे घर सस्ते हैं, या फिर उसका कोई पार्टनर हो गया, मल्टीपल पीपल एक साथ घर लेते हैं, या फिर बंदे की जॉब ही ऐसी होती है कि जिसमें वो ज्यादा कमाता है या अपना बिजनेस करके कोई कर लेता है, इसीलिए वो लोग बार बार बोलते हैं कि ऐसा करके भी घर लेना मुश्किल है। यही एक रीजन है कि इकोनॉमी इस हिसाब से है। एंड बाकी जो मॉर्गेज हो गई उसके लिए क्वालिफाई भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाउन पेमेंट करके ही आप घर ले सकते हो, आपका देखा जाएगा कि कितना आपके ऊपर लोन है, कितने आपके लोन है, गाड़ी का कितना खर्चा है, मंथली आप कितना अर्न करते हो, आपकी मॉर्गेज कितनी है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, फिर कहीं आके आपकी मॉर्गेज को अब मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई होते हो। तो आपको डे वन से बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा आपके ऊपर लोन ना हो इस कंट्री में, कोई गाड़ी लेनी है उस हिसाब से लो कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ी अमाउंट ना हो लोन की, एंड अपने खर्चों को डे वन से कंट्रोल रखो, देन धीरे धीरे आपके लिए बाकी चीजें आसान होती रहेंगी। एक बार ये आप आगे आप इस कंट्री के सिस्टम को समझना शुरू कर दोगे, बट अगेन अपने खर्चों को मेंटेन रखो एंड लोन वगैरह भी ज्यादा मत लिया करो हर एक चीज का, है ना। कुछ लोग गाड़ी का भी लोन देते हैं, जो रिम वगैरह होते हैं गाड़ी उसका भी अलग से लोन चल रहा है, मोबाइल फोन का भी है, एंड बाकी एक दो चीजें ले रखी हैं, एंड बाकी आगे जाके आपको इसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं इस टॉपिक को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक आइडिया हो सके। एंड यहाँ पे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बहुत ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आपकी 1 घंटे की इतनी कमाई है तो साल की कितनी होगी, या अगर इतना पैकेज आपको चाहिए तो 1 घंटे के आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे, या उसका टैक्स अमाउंट बाद में कितना बचेगा, टैक्स डिडक्ट करके कितने हमारे पास बचेंगे, तो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।